बांसीपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उत्तरी जेबा रिजवान को पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र चौधरी ने खुलकर अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आप भी देखिए किस तरह से सुरेंद्र चौधरी ने जेबा रिजवान के पक्ष में अपने समर्थन का ऐलान किया है। उर्मी समाज से मेरा ताल्लुक रहा है और आज मैं सामंतों को तोड़ने और कमजोर करने का काम जिस रिजवान जहीर ने किया है, उनकी बेटी जेबा पूरे परिवार सहित आज उनको जेल में सपा और भाजपा के षड्यंत्र से उनको जेल में भेज दिया गया है। बेटी को बाहर लाना है, शेर जो हमारे इलाके का है रिजवान जहीर, उसको बाहर करना है, दामाद को बाहर करना है, बेटी को इसलिए जिताना है कि उसने तुलसीपुर की सेवा की है, खिदमत की है, हिंदू मुसलमान सब उसको प्यार करते हैं, उसकी गूंज पूरे इलाके में है, निहायत गम और अफसोस में पूरा इलाका हमारा पिछड़वा का है। आज कुर्मी समाज के हमारे करीब एक दर्जन भाई आए हुए हैं और पिछड़वा के नगर पंचायत के अध्यक्ष जनाब मंजूर साहब आए हुए हैं, पढ़नी के चेयरमैन निसार बागी साहब आए हुए हैं और हमारे भाई दुनिया से जहीर आलम भाई हमारे आए हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अब्दुल कईम रहमानी के बेटे हैं, तो बहुत बहुत दूर तक के लोग आए हुए हैं। मैं तुलसीपुर के हिंदू मुसलमान सभी जातियों और सभी पार्टियों के लोगों से अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं और खास तौर से कुर्मी समाज के लिए, ये परिवार कभी सामंतों से टकराया है, जो कुर्मी समाज जो पीड़ित था मुक्ति दिलाई जी रिजवान जहीर ने, आज उस पूरे परिवार को कैद करके रख दिया गया है, शेर को पिंजरे में डाल दिया गया है, उसको बाहर करने के लिए सब लोग पार्टी के से ऊपर उठ करके आज बेटी को बाहर करने के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। जेबा रिजवान का आज सिंबल मिल जाएगा, उस सिंबल को लेकर के हम लोग घर घर आएंगे, यही विनती आप लोगों से मैं करने जा रहा हूं। अभी मैं यहां कोठे से निकल करके क्षेत्र में जाऊंगा और क्षेत्र में 10-20 गांव का दौरा करके फिर वापस हम पचपड़वा जाएंगे और पचपड़वा से बहुत बड़ा हुजूम कुर्मी समाज का निकल पड़ा है, वहां भी हमने तय कर लिया है फैसले का चुनाव छोड़ो, चलो पहले शेरों को पिंजरे से आजाद कराया जाए ताकि पूरे इलाके